शंख का नाद और प्रभु श्री राम। अयोध्या से आई राम ज्योति ने जयपुर को पावन कर दिया। घर घर राम ज्योति की ज्योत पहुंचाने के लिए एक मुहिम ने सबको राममय कर दिया है। पूरे राजस्थान को राम ज्योति से उज्जवल करने के लिए दुर्गापुरा में उर्मिल बसंत भवन में आशा मिश्रा, राकेश वल्लभ मिश्रा और रोशन चौधरी पर राम ज्योति को घर घर पहुंचाने का उत्तरदायित्व मिला। आइए चलते हैं उर्मिल बसंत भवन और करते हैं राम ज्योति के दर्शन। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका। जिस राम मंदिर की बात पूरे देश में हो रही है, उस राम मंदिर की राम ज्योति आज हमारे गुलाबी नगरी पहुंच चुकी है। हम बात करेंगे उर्मिल बसंत परिवार से, मिश्रा फैमिली से, और जानते हैं कि कैसे राम ज्योति को वो जयपुर में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित किया गया है। आशा जी और आरपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हमें सबसे पहले बताएं किस तरह से व्यवस्थित किया गया है, अब तक कितनी जगह आपने इसको राम ज्योति को पहुँचा दिया है। नमस्कार बेटा, हम लोगों के ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसकी इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, एक छोटा सा सोच आया मन में कि जब राम ज्योति जयपुर आ ही रही है तो क्यों ना अपन भी अपने घर को एक केंद्र बनाएं। और जब केंद्र बनाने की बात आई, छोटे से रूप में सोचा था, ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कार्यक्रम बन जाएगा ये। मगर राम जी की महिमा रही, अयोध्या से राम ज्योति चली, राम राज्य महोत्सव मनने के उसमें, और राम राज्य चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनका रथ गया था यहाँ से, जयपुर से, और वो जब अयोध्या पहुँचा, वहाँ से बहुत धूमधाम से वो लोग लेके चले। 40 घंटे का सफ़र रथ ने किया जयपुर पहुँचने के लिए, और लखनऊ, आगरा, भरतपुर, दौसा, बस्सी, ये सारे रास्ते होता हुआ वो जयपुर पहुँचा। 23 तारीख की शाम को 4:15 बजे के बीच में राम ज्योति हमारे पास पहुँची, और उसके बाद हमने एक शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का जो मेन मकसद वो ये था कि जन जन तक एक आवाज़ पहुंच जाए कि राम ज्योति आ चुकी है, और लोगों के अंदर, सनातन परिवारों के अंदर इस चीज़ का एक जो महत्व होता है वो सबके पास पहुंच सके। तो हमने एक शोभा यात्रा निकाली, उसके बाद में बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला लोकल अपने सारे लोगों का। उसके बाद हमारे केंद्र बनने शुरू हुए, एंड बहुत खुशी होती है इस बात की कहकर कि आज की तारीख में हम 40 केंद्र ऑलरेडी बना चुके हैं अपने उसमें, जिसमें कि पूरे दुर्गापुरा में हैं, महारानी फार्म में हैं, जगतपुरा में बनाए हैं, विद्याधर नगर में बने हैं, करीब 10 केंद्र विद्याधर नगर में बने हैं, 4 केंद्र जगतपुरा में हैं। दुर्गापुरा इन इटसेल्फ करीब हम लोग 15-16 केंद्र बना चुके हैं, मालवीय नगर में केंद्र बन चुके हैं, और अभी कम से कम 20 केंद्र ऐसे हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो अभी दिवाली से पहले पहले रोजाना एक ना एक केंद्र आ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज शाम को जयपुर से, उदयपुर से एक टोली आ रही है जयपुर, जो कि कल सुबह यहाँ से राम ज्योति उदयपुर लेकर जाएगी। ने बताया कि आपने 40 केंद्र बनाए हैं, वैसे 51,000 मंदिरों को टारगेट करा गया है कि 51,000 मंदिर राजस्थान में पूरे कवर किए जाएंगे। बिल्कुल, 51,000 मंदिरों को कवर करने का पूरा टारगेट लिया हुआ है। 351 केंद्र जयपुर में बन रहे हैं, और ये मकसद जो है कि छोटे से छोटा मंदिर और अंतिम छोर का जो व्यक्ति होता है वहाँ तक पहुँचाने की प्रक्रिया है ये, कि हर हर घर घर में ये चीज़ राम ज्योति पहुँच सके। दीपावली के उत्सव पर, दीपावली के हर घर में दीपावली की ज्योत इसी राम ज्योति से जलाई जाए। इस राम ज्योति से दीपावली की ज्योत जलेगी, यहाँ तक कि रावण दहन भी इस राम ज्योति से किया गया है। अब जैसे आप बता रहे कल उदयपुर जाने वाले हैं, तो उसके बाद में आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या प्रस्थान कितने बजे होंगे? प्रस्थान सुबह 7 बजे है यहाँ से, वो उदयपुर की टीम जो है रात को 9:30 बजे जयपुर पहुँच रही है। सुबह 7 बजे यहाँ पे थोड़ा सी पूजा अर्चना होगी, और उसके बाद में वो लोग यहाँ से लेके रवाना होंगे, और कल शाम को वहाँ पे 5 बजे उदयपुर में उन्होंने पहले आरती का स्वागत रखा है, वहाँ पे राम ज्योति का स्वागत रखा है, उसके बाद उसी तरीके से खूब धूमधाम से वहाँ पे आरती का कार्यक्रम रखा गया है, और उसके बाद वहाँ से भी फिर इसी तरह से फर्दर केंद्र बनते रहेंगे उदयपुर में भी, जितने केंद्र वो लोग बना सकते हैं उतने कोशिश उनकी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र बनाए वहाँ पर। अभी हम दुर्गापुरा केंद्र पे हैं, दुर्गापुरा केंद्र में आपने इस पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित किया, ऐसे जयपुर में कितने केंद्र हैं अभी? वैशाली में है जैसे? वैशाली नहीं, जयपुर में तो इस समय 351 केंद्र बन रहे हैं, उन 351 में से मेरे ख्याल से शायद 250 के लगभग ऑलरेडी बन चुके हैं। हाँ जी, और लोगों में किस प्रकार का उत्साह है, लोग आपके पास कैसे आ रहे हैं?
लोगों में इतना उत्साह है कि जैसे ही पता चलता है लोगों को कि राम ज्योत आई हुई है, दूर दूर तक, जैसे किसी को टोंक फाटक पे पता चला तो वो अचानक वहाँ से आए, मैं जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, मालूम पड़ा क्या कि हमने सुना है कि आपके यहाँ ज्योत आई हुई है तो हम राम ज्योत देखने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। किसी को सांगनेर में पता लगा तो वो वहाँ से आए। तो जैसे जैसे लोगों तक बात पहुँच रही है उस तरीके से लोग बाग आ रहे हैं और लोगों के मन में उत्साह है कि नहीं साहब, हम तो 5 दिन तो कम से कम राम ज्योत रखेंगे ही अपने यहाँ, वो चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है इस ज्योत को अखंड रखने की। सुनने में आया है और पूरे मतलब सब जगह छाया हुआ है कि राम मंदिर जो अपने इस वो होगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो 22 जनवरी को होगी, तो तब तक कितना बड़ा टारगेट है राम ज्योति को सब जगह पहुंचाने का? जो 51,000 मंदिर की बात बताई है वो तो है ही, और मेरा जो सोच है वो तो आमजन का है कि अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक ये चीज पहुँचे। तो लोग कैसे आ सकते हैं आपके पास ये लेने के लिए राम ज्योति, मतलब कोई भी, हर कोई आ सकता है? अपना कोई भी आ सकता है, बड़ा छोटा, गरीब अमीर, जो आना चाहे, हर किसी के लिए। जहाँ तक सनातन है, जो सनातन विचारधारा के है वो ही आएगा और उनका हर तरीके से हम दिल खोल के स्वागत करेंगे। राम ज्योति को अपने घर घर पहुँचाने के लिए आप उर्मिन वसंत भवन में आ सकते हैं, यहाँ से आपको राम ज्योति मिल सकती है जिसे अपने दीपावली पे दीपों को उज्ज्वल करके अपनी दीपावली को खुशमय कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। और आप सभी का हमारे, आपका सबका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, थैंक यू। अपने घर को राममय करने के लिए आप इस अखंड राम ज्योति को अपने घर ला सकते हैं, दुर्गापुरा उर्मिल बसंत भवन से।